हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस विशेष सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जुलाई महीने की बिहार की करंट अफेयर को डिस्कस करूंगा। हमारी टीम आईएएस विशेष सेंटर के द्वारा प्रत्येक महीने की यानी कि मंथली वाइज बिहार करंट अफेयर को अपने यूट्यूब चैनल आईएएस विशेष सेंटर पर डिस्कस किया जा रहा है। एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार करंट अफेयर का, तो आप लोग प्रीवियस मंथ का वीडियो जो वहाँ से देख सकते हैं। तो आज जुलाई महीने की बिहार करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला है, हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है। देखिए, मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य अगर पूछेगा तो वह मध्य प्रदेश है, ठीक है, और देश का दूसरा राज्य पूछेगा तो वह बिहार बना है, ठीक है। तो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना? बिहार। बिहार एवं भारत की पहली ट्रांसजेंडर दारोगा कौन बनी है? अभी बिहार में दारोगा का रिजल्ट आया है, उसमें बिहार के साथ साथ भारत की पहली ट्रांस वुमेन दारोगा मानवी मधु कश्यप बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार एवं भारत की पहली ट्रांसजेंडर दारोगा मानवी मधु कश्यप। बिहार का पहला 5-स्टार होटल, देखिए हाल ही में पटना में बिहार का पहला 5-स्टार होटल खोला गया है, जिसका नाम दिया गया है होटल ताज। तो आप लोग याद रखेंगे होटल का नाम और कहाँ स्थित है। बिहार का पहला 5-स्टार होटल पटना में होटल ताज नाम दिया गया है। ब्रिटेन में हालिया आयोजित चुनाव में बिहार मूल के किस नेता ने चुनाव में जीत दर्ज किया है? हाल ही में ब्रिटेन में संसदीय चुनाव हुए हैं और संसदीय चुनाव में कई सारे भारतीय वहां पर जीत दर्ज किए हैं, उनमें बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले कनिष्क नारायण, ठीक है, मुजफ्फरपुर के रहने वाले कनिष्क नारायण ने लेबर पार्टी से जीत दर्ज की है। वहाँ जो अभी संसदीय चुनाव हुआ है उसमें ऋषि सुनक की जो पार्टी थी उसकी बुरी तरह से पराजय हुई है। लेकिन आप देखेंगे कि सात भारतवंशी उनमें जीत दर्ज किए हैं, जिनमें से बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले, ये महत्वपूर्ण है, बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं, मुजफ्फरपुर के, नाम क्या है, कनिष्क नारायण, किस पार्टी से इन्होंने जीत दर्ज की, तो लेबर पार्टी से इन्होंने जीत दर्ज की है। बिहार के किस मशहूर चिकित्सक को दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के रहने वाले डॉक्टर रजनीश कांत को दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में उद्योग विभाग ने स्टार्टअप सेल की रैंकिंग जारी की है। इस स्टार्टअप सेल की रैंकिंग में प्रथम स्थान औरंगाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज को प्राप्त हुआ है। तो महत्वपूर्ण है, हाल ही में उद्योग विभाग के द्वारा जारी किए गए स्टार्टअप सेल रैंकिंग में प्रथम स्थान किस जिले की इंजीनियरिंग कॉलेज को प्राप्त हुआ, तो अब क्या बताएंगे, औरंगाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज। बिहार का पहला खेल अकादमी कहां पर बनाया जा रहा है? राजगीर में बिहार का पहला खेल अकादमी बनाया जा रहा है। बिहार का पहला खेल अकादमी राजगीर में। वैश्विक आईटी कंपनी एचसीएल ने बिहार में कहां अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी स्टेशन शुरू किया है? तो आईटी कंपनी एचसीएल के द्वारा बिहार की राजधानी पटना में बिहार का पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी स्टेशन शुरू किया गया। तो महत्वपूर्ण है, एचसीएल के द्वारा पटना में बिहार का पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी स्टेशन प्रारंभ किया गया है। अगला है, राज्य कैबिनेट ने हाल ही में राज्य के कितने जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? तो राज्य कैबिनेट के द्वारा बिहार के 31 जिलों में, बिहार के टोटल 38 जिले हैं, बिहार में 38 जिलों में से 31 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने की घोषणा राज्य सरकार की कैबिनेट के द्वारा की गई है। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो बिहार सरकार के द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए इस शिक्षा कोष ऐप को लॉन्च किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस शिक्षा कोष ऐप को लॉन्च किया गया है। किस लिए? ताकि बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत जो शिक्षक हैं वे अपनी अटेंडेंस को दर्ज करा सकें, उपस्थिति दर्ज करा सकें। तो इस शिक्षा कोष ऐप महत्वपूर्ण है। अगला है, छपरा की युवा वैज्ञानिक डॉक्टर रचना अमेरिकी विश्वविद्यालय के हॉल ऑफ फेम में शामिल होंगी। देखिए, अमेरिकी विश्वविद्यालय के हॉल ऑफ फेम में 24 वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है। इनमें सबसे युवा वैज्ञानिक जो हैं वह बिहार की छपरा की रहने वाली डॉक्टर रचना हैं, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, छपरा की युवा वैज्ञानिक डॉक्टर रचना अमेरिकी विश्वविद्यालय के हॉल ऑफ फेम में शामिल होंगी। यह उपलब्धि पाने वाली सबसे कम उम्र की वैज्ञानिक हैं। और अभी हमने बताया कि अमेरिकी विश्वविद्यालय के हॉल ऑफ फेम में टोटल 24 वैज्ञानिकों का चयन किया गया है,
जिनमें सबसे युवा वैज्ञानिक सबसे कम उम्र की वैज्ञानिक डॉक्टर रचना है। अगला है बिहार में बाढ़ की भयावहता कम करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने इसरो के साथ समझौता किया। महत्वपूर्ण है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में बिहार में बाढ़ की भयावहता को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा किस संस्था के साथ समझौता किया गया है, तो आप क्या बताएंगे, आपदा प्रबंधन विभाग ने इसरो के साथ समझौता किया है। खेलो इंडिया योजना के तहत बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया गया है, तो खेलो इंडिया योजना के तहत बिहार के भागलपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाएगा। महत्वपूर्ण है, खेलो इंडिया योजना के तहत बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाने का निर्णय किया गया है, तो आंसर क्या होगा, भागलपुर। बिहार के किस साहित्यकार को भूटान में अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो अविनाश अमन जो कि बिहार के रहने वाले हैं और इनको भूटान में अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला है जमुई जिले में मैग्नेटाइट के 2 ब्लॉक और रोहतास जिले में चूना पत्थर के 1 ब्लॉक में 6,000 करोड़ से अधिक कीमत का खनिज भंडार मिला है। जमुई जिले में मैग्नेटाइट के 2 ब्लॉक और रोहतास जिले में चूना पत्थर के 1 ब्लॉक में टोटल अगर जोड़ दिया जाए तो 6,000 करोड़ से अधिक कीमत का खनिज भंडार मिला है। तो आप लोग याद रखेंगे, जमुई जिला मैग्नेटाइट, रोहतास जिला चूना पत्थर, जमुई जिले में मैग्नेटाइट के 2 ब्लॉक और रोहतास जिले में चूना पत्थर के 1 ब्लॉक का खनिज भंडार मिला है। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए आईएसएस सेंटर और यूट्यूब को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगला और महत्वपूर्ण है या लेटेस्ट है, कोरिया पर्यटन संगठन शॉर्ट फॉर्म इसका हो गया KTO, कोरिया टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को 2024 के लिए अपना मानद राजदूत नामित किया है। पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश की पर्यटक संगठन ने आनंद कुमार या सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को 2024 के लिए अपना मानद राजदूत नामित किया है, तो आप क्या बताएंगे, आनंद कुमार। राज्य सरकार ने 20,000 स्कूलों में जैविक तरीके से साग सब्जी और फल उगाने का निर्णय लिया है। स्कूलों में इस उद्यान को किस नाम से जाना जाएगा, तो स्कूलों में इस उद्यान को पोषण वाटिका के नाम से जाना जाएगा। बिहार विधान परिषद के उपसभापति किसे बनाया गया है, तो हाल ही में बिहार विधान परिषद के नए उपसभापति रामवचन राय बने हैं। अगर बिहार विधान परिषद के सभापति पूछा जाए, देखिए 4 चीज आप लोग याद रखेंगे, बिहार विधान परिषद में आए तो बिहार विधान परिषद में सभापति कौन बने हैं, अवधेश नारायण, आप लोग नोट कर लेंगे, बिहार विधान परिषद के नए सभापति अवधेश नारायण और उपसभापति रामवचन राय। अगर विधानसभा पूछा जाए तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं, नंद किशोर यादव। महत्वपूर्ण है, बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष और बिहार विधानसभा के नए सभापति। अगला है बिहार के आदित्य अनमोल ने कर्पूरी ठाकुर पर एक किताब लिखी है, उस बुक का नाम है द जननायक कर्पूरी ठाकुर वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, हाल ही में बिहार के किस लेखक के द्वारा कर्पूरी ठाकुर पर एक जीवनी द जननायक कर्पूरी ठाकुर वॉइस ऑफ द वॉइसलेस लिखी गई है, तो आप क्या बताएंगे, आदित्य अनमोल के द्वारा। पटना में IOC ने ग्रीन एनर्जी बिल्डिंग तैयार की है, पटना में ग्रीन एनर्जी बिल्डिंग किसके द्वारा तैयार की गई है, तो IOC के द्वारा ग्रीन एनर्जी बिल्डिंग तैयार की गई है, कहाँ, पटना में। अगला है खनिज अन्वेषण हैकाथॉन, देखिए खनिज अन्वेषण हैकाथॉन का आयोजन हाल ही में हैदराबाद में किया गया है 20 जुलाई को, ठीक है, यानी कि खनिज अन्वेषण हैकाथॉन का आयोजन हैदराबाद में 20 जुलाई को किया गया। यह बिहार करंट से इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि खनिज अन्वेषण हैकाथॉन में खनिजों की नीलामी मानचित्र में पहली बार बिहार को शामिल किया गया है और खनिजों के नीलामी मानचित्र में पहली बार बिहार शामिल हुआ है, तो महत्वपूर्ण है। तो आपसे पूछा जा सकता है खनिज अन्वेषण हैकाथॉन का आयोजन हाल ही में कहां किया गया, तो हैदराबाद में किया गया। कब किया गया, तो 20 जुलाई को किया गया। इनमें खनिजों के नीलामी मानचित्र में पहली बार बिहार शामिल हुआ है। इस हैकाथॉन में देश के
8 क्रिटिकल खनिज ब्लॉक के लिए नीलामी की घोषणा की गई, जिसमें बिहार के 3 ब्लॉक शामिल हैं। इन 3 ब्लॉक में ग्लूकोनाइट के 2 ब्लॉक है और निकल के 1 ब्लॉक है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, देश के 8 क्रिटिकल खनिज ब्लॉक की नीलामी की घोषणा की गई, जिनमें से बिहार के 3 ब्लॉक शामिल हैं, ग्लूकोनाइट के 2 ब्लॉक और निकल के 1 ब्लॉक। दोनों को आप लोग याद रखेंगे, ग्लूकोनाइट और निकल। तो खनिज अन्वेषण हैकाथॉन का आयोजन कहां पर किया गया? हैदराबाद 20 जुलाई को। बिहार की तीसरी केंद्रीय विश्वविद्यालय, हाल ही में कैबिनेट के द्वारा बिहार में तीसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है। तो बिहार की तीसरी केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर बनाया जाएगा? तो भागलपुर जिले में। अभी पहले से जो केंद्रीय विश्वविद्यालय कार्यरत हैं, उनमें पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार में गया में और दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार के मोतिहारी में। अब तीसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय भागलपुर में बनाए जाने की योजना निर्मित की गई है। रूसी सेना के लिए हाजीपुर से बने जूतों का निर्यात किया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में बिहार के किस स्थान से बने जूते का निर्यात रूसी सेना के द्वारा किया जा रहा है या रूसी सेना के जूते का निर्यात रूसी सेना के लिए किया जा रहा है, तो हाजीपुर से। ठीक है, रूसी सेना अभी जो यूक्रेन के साथ वहाँ पर वार हो रही है, तो वहाँ पर जो सबसे उनको बेहतर स्किल, बेहतर तकनीक की जो आप वहाँ पे जो शू लग रहा है, वह बिहार से हाजीपुर के निर्मित जूते हैं। ठीक है, इसीलिए बड़े पैमाने पर ऑर्डर आने की पॉसिबिलिटी है हाजीपुर में, जो जूता कारखाना है वहाँ पे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, हाजीपुर का नाम आप लोग याद रखेंगे। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 जारी की गई है। महत्वपूर्ण है, बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024, इसके अंतर्गत फिल्म निर्माण और आधारभूत संरचना के लिए निवेशकों को 25% सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। अगर मान लेते हैं कि फिल्म का निर्माण किया जा रहा है, उसका कुल लागत जो है वह 100 करोड़ है, ठीक है, तो इसका 25% यानी कि 25 करोड़ जो है वह राज्य सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। कब? वो फिल्म निर्माण और आधारभूत संरचना के विकास के लिए अगर कोई इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं तो। ठीक है, अगला है, राज्य में शूटिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई, यह महत्वपूर्ण है। अगर क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों के लिए, अगर यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों की शूटिंग की जाती है, तो उसके लिए अधिकतम 50% की सहायता राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी। मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे भोजपुरी फिल्म की शूटिंग की जाती है, ठीक है, या फिर मगही फिल्म की शूटिंग की जाती है, या मैथिली ले लीजिए, कोई भी क्षेत्रीय भाषा बिहार की ले लीजिए, ठीक है, तो बिहार की क्षेत्रीय भाषा में किसी फिल्म की शूटिंग की जाती है, तो अधिकतम 50% की सहायता राशि, जो अभी हमने बताया कि 100 करोड़ का अगर मान लेते हैं मूवी का लागत है, तो इसका 50 करोड़ अधिकतम सरकार के द्वारा देय होगा। ठीक है, और हिंदी एवं अंग्रेजी में फिल्म निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। तो आप लोग याद रखेंगे, बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024। अगला और आज का लास्ट है, पीएम श्री 2 के लिए बिहार के 17,046 स्कूलों का चयन किया गया है। तो आप लोग पीएम श्री योजना के बारे में थोड़ा डिटेल जान लेंगे, इसकी कब घोषणा की गई, क्या उद्देश्य है, और कौन कौन से राज्य इससे जुड़े हुए हैं और कौन कौन से राज्य इससे जुड़े हुए नहीं हैं। तो हाल ही में बिहार के राज्य कैबिनेट के द्वारा पीएम श्री दो के लिए 17,046 स्कूलों का चयन किया गया है और यहाँ पर पीएम श्री 2 योजना लागू की जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से बिहार करंट अफेयर जुलाई महीने का समाप्त हुआ। हमने फिर पहले ही आपको बताया कि प्रत्येक महीने के बिहार करंट अफेयर को यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया जा रहा है, आप लोग उसे अच्छे तरीके से कंप्लीट करते जाएं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब चैनल दोनों को आप लोग ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है हमारा @ISPCCenter और यूट्यूब चैनल ISPCCenter, आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, आप लोग दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक संख्या में अभ्यर्थी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।